हम संतुष्ट नहीं हैं, रोक कहीं मेरी मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलवाया जाए। माननीय अधिकारी सस्पेंड हुए तो बच्चों तो हम क्या कर बताइए, जो हमारा परिवार था मुझे छोड़कर चला गया और बकरे की तरह काटा गया। मान लीजिए जब कार्रवाई करना था तो अधिकारी लोगों ने कर ही नहीं लिया। क्या हम लोग कार्रवाई से सस्पेंड होने से मेरे माँ बाप आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। देवरिया हत्याकांड के बाद एक तरफ पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर दी है, लेकिन इन कार्रवाइयों से सत्य प्रकाश दुबे का परिवार संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। हम संतुष्ट नहीं है, मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलवाया जाए। देवरिया हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक उप जिलाधिकारी, एक क्षेत्र अधिकारी, दो तहसीलदार, तीन लेखपाल, एक हेड कांस्टेबल, चार कांस्टेबल, दो हलका प्रभारी और एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। सत्य प्रकाश दुबे का बेटा देवेश दुबे किसी भी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। देवेश का कहना है कि जब कार्रवाई करनी थी तब तो अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, अब अधिकारियों को सस्पेंड करने से मेरे परिवार वाले वापस नहीं आ जाएंगे। माननीय अधिकारी सस्पेंड हुए तो बच्चों तो हम क्या कर बताइए, जो हमारा परिवार था मुझे छोड़कर चला गया और बकरे की तरह काटा गया। मान लीजिए जब कार्रवाई करना था तो अधिकारी लोगों ने कर ही नहीं लिया। क्या हम लोग कार्रवाई से सस्पेंड होने से मेरे माँ बाप आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट और क्या चाहते हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं, रोक कहीं मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको वापस दिलवाया जाए और उसको घर डालवाया जाए। अब वो तो बकरे की तरह काट कर सुला दिए गए, तो अब कार्रवाई करके क्या होगा? आखिर मेरे में कमियां क्या है कि मतलब उनके आबादी जमीन पे उनके जो मकान हैं ढह क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ तक छः छः बुलडोजर खड़े हैं, आखिर किस समय के लिए वो खड़े हैं? यहाँ तक कि मेरे भी जो सरकारी जमीन में मकान है उसको भी ढहवाया जाए और उसको भी ढहवाया जाए। मैं यहीं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ और मैं आगे कुछ कर नहीं सकता, मेरी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने अधिकारियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं, साथ ही बुलडोजर चलाने की भी मांग कर दी है। इस मामले में आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।